अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऐशा कॉन्सेप्ट्स की जानिब से हम आपको वेलकम कहते हैं। और आज हम बना रहे हैं बेबी फ्रॉक, फैंसी बेबी फ्रॉक हम बनाएंगे और उसके ऊपर हम सेल्फ डिज़ाइनिंग होगी, इसी कपड़े की होगी, 7 पर्ल्स मतलब मोती लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये फैंसी बेबी फ्रॉक है जी मैम। हम इसमें कौन सा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं? ये ऊपर तो मुझे नेट नज़र आ रहा है, टिशू। ठीक है, ठीक है, जी ठीक हो गया। कतान सिल्क और ठीक है, ये इनर होगा जी, ये योक है ना ऊपर फ्रॉक की। ठीक है, तो उसकी अब हम कटिंग करेंगे। अच्छा जी, ठीक हो गया। ऐसे रखना है जी जी, ये आगे और पीछे दोनों के लिए। ठीक है, और ये भी ऐसे ही। ठीक है, ये हमारी बंद वाली साइड इधर है जी जी, और इधर से अब हम कटिंग। ठीक हो गया। ये हम जो बना रहे हैं ये 2 साल की तकरीबन बच्ची है, इसी में 2 साल की बच्ची को बना रहे हैं। आप तो उस हिसाब से बना सकते हैं, एज वाइज छोटा छोटी बेबी है या बड़ा है, जो भी जिस हिसाब से भी आप उसे मैनेज कर सकते हैं जी। इसमें हम क्या रखेंगे मेजरमेंट इसकी? सबसे पहले तीरा। ठीक हो गया, 4.5 और 7 मार्जिन। ठीक हो गया, चलो ठीक है, 4.5 रखेंगे। ठीक हो गया, और इसे हम ऐसे ला देंगे और फिर यहाँ से हम इसे सर्कल में करके ये कंधे की कटाई हो जाएगी इस तरीके से। बाहर हो गया, ठीक हो गया, चलिए इधर से तीरा आ गया। फ्रंट गला ठीक है, ये होगा 2.5 हो गया। ठीक है, और इधर से भी 2.5, इधर से दोनों साइडों से 2.5 होगा। 7 इसमें भी मार्जिन रखते हैं? नहीं, मार्जिन इसमें नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो कटिंग हो जाएगी और इसके ऊपर वो हम फिर गले की वो पिंचिंग जब करते हैं तो उसके ऊपर हम दूसरे कपड़ा लगा के और इस तरीके से करेंगे जी। ये आप देखें तो इस तरीके से इसकी ये साइजिंग होगी। जो हमने टोटल लेंथ रखनी है जी जी, वो हमारी होगी 8। इधर से हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे, हाफ इंच तकरीबन आप सिलाई का मार्जिन रखेंगे और 8 हमारी लेंथ होगी, और इससे भी हम हाफ वो मार्जिन हमारा बन जाएगा। तो कपड़ा नीचे बचा हुआ है जी, तो साफ ज़रा वो आप उस वक्त फिर मैनेज कर लेंगे। ठीक हो गया, ये दोनों जो कपड़े हैं टिशू, ऊपर वाला टिशू है ठीक है, और नीचे जो हम स्लिप के लिए यूज़ कर रहे हैं वो कतान से। कतान से का, ठीक है जी, इकट्ठी ही उसकी हम कटिंग कर देंगे ताकि सब बराबर आए। ठीक है, ये कटिंग जो मुकम्मल होती है तो फिर हम आपको मजीद फर्दर जो भी इसका प्रोसीजर होगा आपको दिखा देंगे। अच्छा व्यूअर जी, आप देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है, और जो हमने निशान लगाया था वो हमने फ्रंट गले के लिए लगाया था, ऐसे ही है बैक में थोड़ा सा हम कम कटिंग होगी उसमें ना। अच्छा, और उसमें आप जो ऊपर दोनों पीस होंगे ना, जैसे टिश्यू का फ्रंट पीस और उसके अलावा आप कतान सिलक का जो फ्रंट पीस है वो आप उठाएंगे और उसकी आप कटिंग करेंगे, और इस तरीके से 2 पीस फिर बच जाएंगे नीचे के लिए, वो आप थोड़ी सी कटिंग करेंगे जो बैक साइड का गला बनेगा उसकी। ठीक है जी, और अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं जी, ये आप देख सकते हैं जी, नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, ये आप स्कर्ट की कटिंग होगी। ये हमारे पास ऐसे कपड़ा है, ठीक है, पीछे के लिए ठीक है, फ्रंट एंड बैक होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हम ऐसे ट्राइंगल सा बना लेंगे ऐसे ही। ठीक है, चलो ठीक है, ये स्लिप के लिए हो गया, और ये अब हमने ऊपर जो फ्रॉक होगा ये वैसे ही जी, ये होगा, ये हमारे पास 2 लेयर्स हैं। ठीक है, 2 लेयर्स मतलब टोटल 4 पीस बन जाएंगे। हाँ जी, 2 आगे के और 2 पीछे के। ठीक है, ठीक है, नीचे स्लिप के लिए जो सिंगल नहीं हमें चाहिए साफ करें उसके लिए, ये ऊपर हमने वो डिज़ाइन और स्टाइल और वो जो हमने बनाना उसके लिए हमें ये 2 लेयर्स चाहिए। ठीक हो गया, टोटल इसके आपके बन जाएंगे 4 पीस, फ्रंट पे 2 हो जाएंगे और बैक पे 2 हो जाएंगे ऐसे ही। और जी, हमने फ्रॉक की जो टोटल लेंथ रखनी है वो होगी 21, और उसमें से 8 तो हो गए ना योक की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचते हैं 13 की हमने बनानी है स्कर्ट। ठीक है, यहाँ से हमने लेना है अपना जो हमारी फिटिंग की सिलाई होगी जी, वो हमारी होगी 11 पे होगी। ठीक है, तो 11 का हाफ आ रहा है 4.5 5.5 11 का।
5.5 ठीक है जी, 5.5 पे आप निशान लगाएंगे और बस यहाँ तक आपने थोड़ी सी उसको कट कर देना, 5.5 तक आप कट कर लें, निशान लगा के आप कर लें या वैसे ही कर लें। नेक्स्ट अब ये कितनी फिनिश देंगे और ये किसकी फिनिश है? 13 ये लेंथ है, इसको अब हमने ऐसे गोल में कटिंग करनी है। ठीक है, ये 13 ही चलती रहेगी? जी 13 ही चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये इधर से आपने बिल्कुल कॉलर पर रखा है और ठीक है ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है ठीक है, ये आप अब निशान लगा लें और उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। ये टोटल अब हमारे पास है 3 पीस हैं और 6 लेयर्स हैं, ठीक है, तो इन सब की आप सेम ही कटिंग करेंगे या जो नीचे स्लिप है उसकी हम कटिंग थोड़ी कम होगी या सेम होगी? उसकी थोड़ी कम होगी क्योंकि वो हमने छोटी रखी है ना। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपकी वो उस हिसाब से आ जाएगी। ठीक हो गई, ये हम ऊपर सिर्फ जो टिश्यू है या टोटल हम सारे के सारे की कटिंग कर रहे हैं? तीनों जो है हमारे पास पीस, तीनों के नहीं हो रहे। ठीक है, वो ऐसे है, ये नीचे वाली जो है वो हमारी कुछ छोटी। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलो ये जो नीचे है जी ये भी हम ऐसे थे कटिंग कर देंगे। ठीक है, इसमें हमने कितना, ये वही साइज है या हमने थोड़ा साइज कम करना है इसका? इसका साइज थोड़ा कम होगा। ठीक है, जो नीचे वाली स्लिप है ना, ठीक है, इसका साइज थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये आपने देख लिया, वो आप तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच जी जी। आप अपने हिसाब से आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट हम प्रोसीजर आपको दिखा जी व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, मैं बताइएगा अब हम, मेरा ख्याल है कि अच्छा ठीक है, फ्रंट गले की हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, और उसके लिए ये पट्टियाँ हैं जी, नीचे दिखाई देगा नीचे, ये 3.5 इंच की ये पट्टी है और लेंथ कितनी हो जाए, लेंथ आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे आप। ठीक है, 3.5 इंच की ये पट्टी है, आपने इसके ऊपर, ठीक है, ये आप ऐसे देख लें, ये क्रॉस करके रखा हुआ हमने। हाँ जी क्रॉस कर, उधर से हमने कितना मार्जिन छोड़ना है, अंदाजे से छोड़ना है या कोई है स्पेसिफिक? 1.5 इंच आपने वैसे निशान भी लगाया हुआ है, जिसके मैं पूछ रहा हूँ वो निशान पहले का था हमारा। ठीक है, और ये आप कॉमन पेन या आपके पास घर में जो नीडल्स वगैरह उसके थ्रू आप अगर इसको करेंगे तो वो ज़रा फिटिंग या जो आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो सिलाई है वो ज़रा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आप बाकी एक्स्ट्रा आप इसे काट लें। ठीक हो गया, और इस तरीके से ये कितनी पट्टियाँ हम लगाएंगे? ये हम यहाँ नीचे तक पूरा लगाएंगे। अच्छा नीचे तक, ये डिज़ाइनिंग है, आप व्यूअर्स खुद भी देख सकते हैं ये यहाँ पर तो सिलाई आएगी ना। ठीक है, इसको हम सिलाई से फिर पक्का करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, ये सुइयां भी इसलिए कि वो सिलाई लगाते हुए हमें कोई मसला ना हो वो ही लेना, ही लेना। ठीक है, अपने जगह पे हो। ठीक है, ये एंड तक नीचे तक आपकी ये पट्टी दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे सिलाईयां लगा के फिर इस साइड पे भी ऐसे ही। चलिए ये साइड पे हम लगा के आपको दिखाते हैं, फिर दूसरी साइड हम वहाँ भी आपको दिखाते हैं कि उस साइड से हमने कैसे लगाया। ठीक है जी, हमारे साथ आप रहिए। अब हम ये सिलाई लगाने लगे, हमने सारी पट्टियाँ लगा ली हैं, वो दिखाइएगा ज़रा जो डिज़ाइनिंग के लिए हमने लगाई थी, एक साइड से हमने लगाई है, दूसरी साइड से भी सेम ऐसी ही लगेंगी। पहले ये सिलाइयाँ लगा के फिर दूसरी साइड पे इसी तरह पट्टियाँ पिनअप करके और उन पे सिलाइयाँ। अब सिलाइयाँ कैसे लगानी है वो हम आपको, ये नेक के ऊपर हम लगा रहे हैं, नेक डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं ना, गले के ऊपर वाला जो डिज़ाइन है वो है जी। एक सिलाई हम आपको लगा के दिखाते हैं, उसी पैटर्न पे आपने बाकी सिलाइयाँ भी लगानी है। इसको थोड़ा सा साइड से करें, पिनअप ही रहने दें। ठीक है, और ऐसे रख के, ठीक है, आप इसे ये सिलाई लगा लेंगे, सीधी सिलाई जी। ठीक हो गया, ये सीधी सिलाई लगेगी जी, बिल्कुल जी। आप देख सकते हैं ये हमने जैसे आपको बताया था कि पट्टी हम लगाएंगे और मुख्तलिफ पट्टियाँ हमने लगाई हैं दोनों साइड से ना, ये इसकी सिलाई आप देख सकते हैं, ये अगर मैं क्लोज कर दूँ तो इतने डिस्टेंस से आप सिलाई लगाएंगे। पिनअप का तरीका आपको मैंने बता दिया था, तो
दूसरी साइड से भी आप सेम ऐसे ही बनाएंगे। और ये पहली साइड है जो हमने पहले लगाई थी, ऐसे ही हाँ ये पहली साइड है, और इसके ऊपर ये दूसरी साइड दूसरी ऐसे करते हैं, ठीक है जी। आपका गला बन गया, ठीक है, जो हम फैंसी फ्रॉक बना रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो नीचे हमारा टिश्यू वाला है कपड़ा, उसको हमने सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने ये दूसरा जो सिल्क का कपड़ा है ये हमने दिया है, और चारों साइड से हम इसकी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसे उल्टा काटेंगे, इस तरीके से आप इसे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये अभी हम आपको करके दिखा, सिलाई लगाएंगे ऐसे साइडों पे लगाएंगे, ये सारी साइडों पे, ये गले की, ठीक है, और फिर गले की लगाएंगे, ये ऊपर से छोड़ देंगे, थोड़ा नीचे कीजिएगा, हाँ ये ठीक है, ये इस तरह से आप छोड़ देंगे ये, ठीक है, और फिर गले की आएगी, फिर इस साइड से आएगी कंधे की, और इस साइड पर साइड पर आ जाएगी। अब इसको हम करेंगे सीधा, ठीक है, जैसे कि आपको हमने बताया था, जैसे हम सीधा करने के बाद आपको फिर दिखाएंगे कि ये गला जो आपका जो स्लिप के साथ आपका गला जो है वो कैसे बनेगा आगे मज़ीद। इस पर अभी हमने और काम करना है, गले की स्टिचिंग मुकम्मल नहीं है, ठीक है, जब आपको हम दिखा रहे हैं स्लिप के साथ अटैच होगी, क्योंकि छोटी बच्ची है, बेबी फ्रॉक है ये, और उसमें हम इसे साथ अटैच करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हम बैक को भी करते हैं, लेकिन बैक पे हम जिप लगाएंगे ना, ठीक है, तो ये हमने सेंटर से कट कर लिया इसको, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से आपने इसे कट करना है, और इसके ऊपर आप बैक पे स्लिप वो जिप लगाएंगे। इसका भी हमने दोनों पीस ऐसे ही जोड़ने हैं, ठीक है, मतलब इस साइड पे ये गले की सिलाई, ठीक है, और ये फिर कंधा छोड़ के, ये तीरा छोड़ के, फिर ये ऐसे कंधे की सिलाई, ठीक है, इस साइड पे भी ऐसे करेंगे हम, टिश्यू नीचे होगा और उसके ऊपर दूसरा आएगा और उसको हम भी सीधा करेंगे, फिर हम इन दोनों हिस्सों को जिप के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। चलो ये भी हम आपको दिखाते हैं, ये सिलाइयाँ लगा के ना, तो फिर हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। दोनों साइडों पे ऐसे ही सिलाई आएगी, ठीक है, गले की बैक साइड। बेबी फैंसी फ्रॉक हम जो है ना वो बना रहे हैं, उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग है वो सेल्फ डिज़ाइनिंग है, वाइट की ऑफ वाइट, ऑफ वाइट की आराम से रुक जाए, ये दो स्टफ यूज कर रहे हैं। इसमें हम आयशा कॉन्सेप्ट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरी साइड से भी हम आपको लगा करके दिखाते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक जो गला है वो हमने जोड़ दिया, और जैसे हमने बताया था कि जिप हमने लगाई है, जिप लगाने के बाद ये साइड हमने इसके साथ जोड़ी है और इधर से जोड़ी है, और इसको हमने मेरे ख्याल आयरन भी कर लिया जी, हाँ जी, वो सारी सिलाइयाँ जी सिलाइयाँ बिठाने के लिए, ठीक है, हाँ जी, तो ये इस तरीके से बनाएंगे। और अब हम नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो आपको बताएंगे कि कैसे आपने लगाना है और उसमें सिलाइयाँ कैसे लगेंगी, जोड़ मेरे ख्याल कुछ जोड़ से बने हुए आप कुछ इस तरह कह रही थी, ये जो हमने जो तीन साइडें हमने कटिंग की थी जी जी, तीन साइडें जो तीनों को जोड़ लिया, तीनों को जोड़ लिया, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, ये है हमारे पास कैंकर, ठीक है, अब हम इसको साथ जोड़ेंगे, ठीक है, ये इसकी ऐसे सिंपल कटिंग है, आप ये ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये सिर्फ फ्रॉक को मज़ीद फुलाने के लिए होता है, तो वो आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी, आप अपने चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक हो गया। इसको ऐसे ये जो हमने ये ऊपर ऐसे सिलाई लगाई है, ठीक है, चुनट डालेंगे इसमें ना, इसमें चुनट डालेंगे, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हम इसमें चुनट डालेंगे ये, और ये अंदर वाली साइड पे ही हम लगा रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपने ऊपर वाला पोर्शन और नीचे जो ये स्टिच कर रहे हैं इसको आपने कैसे जोड़ना है। ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को अब हम जोड़ रहे हैं, और योक है, और ये हम सीधी साइड रखेंगे उसकी, जी जी, ये दोनों सीधी साइडें ऐसे अंदर होंगी, सीधी साइडें दोनों अंदर होंगी, ठीक है, जो गले वाली सीधी साइड है वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली साइड पे आ जाएगी, और जो दूसरी साइड है वो नीचे वाली साइड पे आ जाएगी, ये दोनों अंदर वाली साइड बन जाएगी दोनों की, ये सीधी
सीधी सिलाई। जी जैसे आप देख सकते हैं अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगा रहे हैं, फिटिंग वाली सिलाई इसको बोलेंगे हम। हाँ जी जी। और इसमें ये स्लीव लेस है ना? जी स्लीव लेस है जी। जो हमने पहले सारी अंदर की तरफ सिलाई लगा के सीधा किया था तो जी, ये उसी में हमारे स्लीव है। ठीक है, स्लीव उसमें कवर हो गए थे। ठीक है, और ये अब हम लगाएंगे। ये ऊपर आपने कोई निशान भी मुझे नजर आ रहा है, ये नॉर्मली फिटिंग होती नहीं है बेबी फ्रॉक्स की। सिर्फ मतलब पहले तो ये ना कि यहाँ से शेप बनती है, लेकिन ये सिर्फ एक आध इंच का फर्क होता है। तो कुछ बेबीज होते हैं जो हेल्दी होते हैं, अपने वो उसके मुताबिक आपने उनके हिसाब से ये करना। ठीक है, ये तो हमने इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और ये एंड तक फिर ऐसे ही सीधी सिलाई हम देंगे। ठीक हो गया। चलें जी, ये सिलाई अभी लगा के हम आपको फिर दिखाते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये फ्रॉक मुकम्मल हो चुका है। सेल्फ डिज़ाइनिंग में हमने ये फ्रॉक बनाया था आपके सामने है। और इसमें एक चीज़ जो कि आप देखेंगे कि ये ऊपर बीट जो हमने कहा हम लगाएंगे, जो मोती हम लगाएंगे, वो कुछ लग चुके हैं और लगाएंगे कैसे वो हम आपको दिखाएंगे। अभी हमने कुछ लगाने हैं तो इस पैटर्न से आप लगाएंगे जी। ये ठीक है, इधर थोड़ा सामने कीजिए। ये जो बिल्कुल जोड़ है ये जो हमारा योकर स्कर्ट का है। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे सुई निकालेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, और दो मोती लेंगे। दो मोती, ये दो दो का हमने एक बनाया हुआ है पैटर्न सा ना, बाकी भी आप देखेंगे ना तो उस पर भी हमने दो दो का ही पैटर्न इसका किया हुआ है। और वापस इस तरीके से हम इसको ना ले जाएंगे। ठीक है, और अंदर वाली साइड से आपको थोड़ा सा इधर आइएगा, ये अंदर वाली साइड से इसको हम निकालेंगे। और इसके बाद इसका हम यहाँ पर सेट करना है। सिपर सेट करने के बाद इसे नीचे से आपने क्लोज कर देना, नीचे से क्लोज कर देना। ये एक और हम लगाएंगे, एक और हम लगाएंगे। ठीक है, वापस इसको ले आएंगे उसी जगह से हम ना। इसको आप दो दफ़ा ऐसे करके धागे को, ठीक है, उन्हीं मोतियों में से पास करके से आप पक्का भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपने पूरा सीक्वेंस चलाना है। अच्छा, ये फ्रंट पे ही हमने सिर्फ लगाए? जी फ्रंट पे, फ्रंट पे इस तरीके से ही मोती इसके लग जाएंगे। ये आप अपने हिसाब से डिज़ाइन, कलर और ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने बस एक पैटर्न बनाइए इस तरीके से इसको कलर कर देंगे। ओके हो गया। और एक और चीज़ भी हम आपको बता दें कि इस फ्रॉक को हमने तैयार किया था और इसके बाद हमने इसकी पीको भी करवाई है। अंदर तार है, तार है, पीको के अंदर तार आप लगाएंगे ताकि वो उसमें एक जो है ना वो बटरफ्लाई वाला स्टाइल बने इसका ना। ये अभी मुकम्मल हम आपको इसकी पिक भी दिखाते हैं, वीडियो भी दिखाते हैं ये कैसे तैयार हुआ है। तो पीको भी आपने ये करवा लेनी है बाज़ार से, आप पीको करवाएंगे। ठीक है, फ्रॉक तैयार है आपके सामने है। जो फ्रॉक हमने तैयार किया छोटी बच्ची की, आपको बताया था कि बेबी फ्रॉक हमने तैयार करना है। सेल्फ डिजाइनिंग में ये ऊपर मोती लग चुके हैं, बहुत खूबसूरत फ्रॉक है ये। आप ऐशा कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी वीडियोज़, आइडियाज़ और ब्रांड्स के लिए, कलेक्शन के लिए, फैशन अपडेट्स के लिए। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।